बात है 1945 की। 29 अप्रैल की रात थी। जर्मनी के बर्लिन शहर में चांसलरी के 50 फीट नीचे बने एक बंकर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बंकर के मैप रूम को शादी की सेरेमनी के लिए सजाया गया था। दरअसल ये शादी थी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर और उसकी प्रेमिका ईवा ब्रॉन की। शादी के कुछ ही घंटे बाद यानी आज ही के दिन हिटलर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। April 18, 1889 जर्मनी के ब्रॉनो शहर में हिटलर का जन्म हुआ। उसने महज 14 साल की उम्र में पिता को और 5 साल बाद अपनी माँ को भी खो दिया। इसके बाद वो वियना आ गया और पेंटिंग्स बेचने लगा। इसी दौरान उसका रुझान पॉलिटिक्स की ओर बढ़ने लगा। 24 की उम्र में हिटलर वियना से म्यूनिख शहर आ गया। इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। हिटलर ने यहाँ के राजा से युद्ध में लड़ने की परमिशन ली और 4 साल तक चले इस युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर लड़ता रहा। अंत में जर्मनी युद्ध हार। इस समय तक हिटलर जर्मनी के राइट विंग के नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। विरोध प्रदर्शनों के लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल से ही उसने अपनी पहली किताब माई स्ट्रगल 9 महीने बाद जब वो जेल से छूटा तो इस किताब का सेकंड पार्ट पब्लिश किया। वहाँ वो अपनी भतीजी से आकर्षित हो गया। हिटलर से परेशान होकर उसकी भतीजी ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से हिटलर काफी परेशान रहने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई ईवा ब्रॉन से। ईवा ने हिटलर को शादी के लिए प्रपोज किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद ईवा उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहने लगी। फिर 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस दौरान अमेरिका ने ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज नाम से एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई, जिसके रिसर्च एंड एनालिसिस ब्रांच को हेड कर रहे थे विलियम लैंगर। इन्हीं के छोटे भाई वॉल्टर लैंगर ने 1943 में द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एडोल्फ हिटलर नाम से एक कैरेक्टर एनालिसिस पब्लिश किया, जिसमें हिटलर के व्यवहार को बताते हुए एक भविष्यवाणी की कि हिटलर युद्ध में जर्मनी के सरेंडर से पहले ही आत्महत्या कर लेगा। अप्रैल 1945 तक सोवियत आर्मी ने बर्लिन को चारों ओर से घेर लिया। बढ़ते खतरे को देख हिटलर चांसलरी में बने 18 कमरों वाले एक बंकर में चला गया, जो जमीन से करीब 50 फीट नीचे बना था। यहीं पर हिटलर ने अपना आखिरी वसीयतनामा भी लिखा और अपनी प्रेमिका ईवा से पहले अपने कुत्तों को जहर दिया, फिर अपनी पत्नी को और फिर खुद भी जहर खा लिया। इसके बाद खुद की सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सोवियत सेना के सामने घुटने टेक दिए। फिर तलाशी शुरू हुई हिटलर की। बंकर में बुरी तरह जले हुए शव मिले, जिनमें हिटलर को पहचानना बेहद मुश्किल था। काफी समय तक ये विवाद बना रहा कि हिटलर सच में मारा गया था या भाग निकला था।